तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप जो बग जिगर ऐप का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये वाला जो एरर है इसको फेस किए होंगे। यहाँ पे मैं दो एरर दिखा रहा हूँ, एक है परमिशन डिनाइड का, दूसरा है नो सच फाइल और डिक्शनरी। ये दोनों एरर है जो कि अक्सर आपको फास्ट बूट मोड पे जो हमारा बग जिगर ऐप है उस पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एरर दोनों क्यों आते हैं और क्या इसका सलूशन है ये मैं बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब हम एक कमांड टाइप करते हैं फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, उसके बाद में स्प्लैश एच डी कार्ड स्प्लैश टी डब्ल्यू आर पी डॉट आई एम जी, तो यहाँ पे जब हम एच डी कार्ड टाइप करते हैं तो उस एच डी कार्ड पे हमारा इंटरनल स्टोरेज कैसे डिटेक्ट हो जाता है, क्या ये कमांड वाकई में सही है या गलत है या फिर ये फेक कमांड है। क्योंकि यहाँ पर मैं एच डी कार्ड लिख रहा हूँ जबकि हमारा इस पर इंटरनल स्टोरेज डिटेक्ट हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में यही दिखाया है। तो क्या ये कमांड सही है या गलत ये मैं आज को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एच डी कार्ड पर हमारा इंटरनल स्टोरेज कैसे डिटेक्ट होता है। तो पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि हमारा एच डी कार्ड लिखने पे इंटरनल कैसे डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास है रेडमी 4 और माइक्रोमैक्स Q402+, दोनों पे मैंने टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी ओपन कर रखा है। एक पे ऑरेंज फॉक्स है एक्सपर्ट, ठीक है, एक पे टी डब्ल्यू आर पी। तो यहाँ पे मैंने स्टोरेज सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ इंस्टॉल पे जाता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट स्टोरेज पे इंटरनल जो है ओके कर देता हूँ। तो एक बार आप दोनों के फाइल देख लीजिए इंटरनल स्टोरेज पे क्या क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसके रूट स्टोरेज पे जाता हूँ तो ये आ गया इसके रूट स्टोरेज पे और ये आ गया इसके रूट स्टोरेज पे। सॉरी अभी ये नहीं आया, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा मुझे। ये आ नहीं थोड़ा और आगे ये आ गया। ठीक है, दोनों अपने रूट स्टोरेज पे आ गए हैं। अब यहाँ से मैं दोनों का एक एक पार्टीशन दिखाता हूँ, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एस डी कार्ड और यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे भी एच डी कार्ड लिखा हुआ है। तो दोनों का मैं एच डी कार्ड जो है ओपन कर लेता हूँ। दोनों का एच डी कार्ड ओपन हो गया और यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने इंटरनल पे फाइल्स रखे थे पूरा का पूरा फाइल यहीं पे है। और इसको भी देख सकते हो, इस पर भी जो इंटरनल पे फाइल थे पूरा का पूरा एच डी कार्ड पे शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एच डी कार्ड का मतलब जो है इंटरनल स्टोरेज है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सटर्नल चेक करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो माइक्रो एच डी यहाँ पे नहीं लगा हुआ, खाली है। थोड़ा बैक हो जाता हूँ, कौन सा सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो एच डी मैं टाइप कर रहा हूँ तो 0 MB शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं स्टोरेज दिखा देता हूँ तो यहाँ पे भी माइक्रो एच डी 0 आ रहा है और टच भी नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों पे मैंने माइक्रो एच डी लगाया ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो देख सकते हो यहाँ पे एच डी कार्ड का मतलब होता है इंटरनल स्टोरेज इन मोबाइल्स पे, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी के मोबाइल है इसलिए मैं दोनों पे अलग अलग जो है रिकवरी है दोनों का मैंने दिखा दिया सेम रहता है, इसलिए जब मैं एच डी कार्ड टाइप करता हूँ तो वहाँ पे मेरा इंटरनल स्टोरेज डिटेक्ट होता है। तो आप जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके से एच डी कार्ड टाइप करने पर इंटरनल स्टोरेज डिटेक्ट होता है। ये मेथड मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप टी डब्ल्यू आर पी पी को ए डी बी सेल से रन करेंगे तो भी ये वाला लोकेशन जो है काम करता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों कमांड आखिर एरर क्यों दे जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रिबूट सिस्टम कर देता हूँ और इसको मैं टी डब्ल्यू आर पी पे ही रहने देता हूँ। अभी मैं जो है इस वाले मोबाइल पे सी डब्ल्यू एम डालने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं ए डी बी कमांड पे ही रह जाता हूँ और इसको मैं टी डब्ल्यू आर पी पे ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे देख सकते हो Q402+ आ गया है। तो मैं अभी ए डी बी के सेक्शन पे हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो टी डब्ल्यू आर पी जो है कनेक्ट हो गए। तो यहाँ से मैं उस मोबाइल को जो है बूट लोडर मोड पर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टी डब्ल्यू आर पी रिबूट बूट लोडर। अगर आप इसके टी डब्ल्यू आर पी को देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी ऑप्शन नहीं है फास्ट बूट मोड में जाने का, जबकि मैं यहाँ से सी एम डी के जरिए इसको ले जा सकता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है फास्ट बूट मोड पर रिबूट हो गया है और ये हमारा जो ए डी बी मोड पे था वो अब जो है वापस आ गया है कमांड मोड पे। यहाँ से अब हमको जाना है फास्ट बूट मोड पे, ये आ गए। और यहाँ आने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि डिवाइस का आई डी यहाँ शो नहीं कर रहा है और देख सकते हो यहाँ पर फास्ट बूट आई डी जो है आ चुका है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ कस्टम कमांड पर, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। उससे पहले मैं आपको जब फाइल दिखा देता हूँ
ये रहा यस फाइल, और यहाँ पे सिर्फ इंटरनल स्टोरेज है मेरा, देख सकते हो, क्योंकि मैंने इस पर एसडी कार्ड नहीं लगाया। और यहाँ पे CWM का IMG फाइल है इस मोबाइल के लिए, तो पहले मैं इसे फ्लैश करके देखता हूँ। तो ये मैंने पहला कमांड डाल लिया है और इसको मैं फ्लैश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो परमिशन डिनाइड आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है दोस्तों? तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ऐप को अभी भी एसडी कार्ड सॉरी इसका जो स्टोरेज है उसका परमिशन नहीं मिला है। तो पहले आपको एक बार देख लेना है अपने ऐप पर जाके उसका परमिशन। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल्ड ऐप पर जाता हूँ, और यहाँ पर मेरा बग जिगर जो है रनिंग में है अभी, और यहाँ से मैं जाता हूँ परमिशन पर। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्टोरेज का परमिशन जो है अभी भी अलाउ नहीं हुआ है, तो पहले आपको इसे अलाउ कर लेना है। तो ये अलाउ हो गया, अब मैं उस वाले कमांड को जो है वापस टाइप करता हूँ। ये हो गया, अब इसको मैं फ्लैश करता हूँ, तो देख सकते हो एक ही बार में ये फ्लैश हो गया है, क्योंकि जो परमिशन डिनाइड का एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने बग जिगर ऐप को जो स्टोरेज का परमिशन दिया ही नहीं था। ये हो गया पहले कमांड के बाद, अब आते हैं दूसरे कमांड पे। तो दूसरा कमांड का एरर क्यों आता है? तो अभी मैंने इसमें CWM फ्लैश किया है, अभी उसी रिकवरी को फ्लैश करूँगा तो देखना यहाँ पर वही एरर आएगा जो दूसरा वाले नंबर पर था, नो सच ए फाइल इन डिक्शनरी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमांड डाल लिया है, अब आएगा देखना एरर। तो देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट बूट कैन नॉट लोड एसडी कार्ड CWM.IMG नो सच फाइल इन डिक्शनरी। तो ये एरर क्यों आया है? तो दोस्तों यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, जहाँ पे मैंने एसडी कार्ड उसके बाद स्प्लैश CWM.IMG लिखना है वहाँ पर मैंने डबल डॉट कर दिया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर आप जो लिखने में अपने जो टाइप करोगे कमांड उसमें अगर एक छोटा सा भी अक्षर का आप उसमें डिफरेंस कर दोगे तो ये वाला एरर आपको देखने को मिलेगा, नो सच फाइल और डिक्शनरी का। तो वापस से मैं इसको देखना है सही टाइप करता हूँ मैं। तो ये मैंने टाइप कर लिया है, अब इसको मैं फ्लैश करता हूँ, देखो ये वापस से फ्लैश हो गया। तो दोनों एरर का आपने देख लिया है कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ आता है, दोनों का कैसे सोल्यूशन करना है, और ये भी बहुत ही इजी तरीका है। अब मैं चेक करता हूँ अपना जो मोबाइल है उस पर CWM इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो मैं एक बार फोकस कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों इस पे जो TWRP था अब वो CWM में बदल चुका है क्योंकि मैंने इस पे अभी CWM फ्लैश किया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप TWRP इंस्टॉल कर सकते हो, अपना जो कुछ एरर्स आ रहे हैं उसे फिक्स कर सकते हो। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि जो मैं कमांड यूज़ करता हूँ वो कोई फेक कमांड नहीं है और रियल में जो है वर्किंग कमांड है। और ये कमांड का यूज़ मैं इसलिए करता हूँ दोस्तों क्योंकि जब कभी मुझे TWRP मोड में जो है TWRP का जैसे कि इस डिवाइस पे प्रॉब्लम आता है कि टच काम नहीं कर रहा है, तो उस टच को जो है मैं TWRP के जरिए जो है सॉरी ADB के जरिए जो है कमांड देता हूँ, तब जो वो फाइल का लोकेशन है मुझे TWRP मोड में भी काम आ जाता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।